हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप सो बढ़िया होंगे। दोस्तों आज अपन फिर से कंटिन्यू करने वाले अपने गेम को क्लैश ऑफ क्लैंस। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ अपने जरिए किए हुए गलतियों के बारे में। जी हाँ, मैंने अपने क्लैन में बहुत सी ऐसी गलतियां करके रखी हुई है जो मैंने अभी हाल ही में नोटिस किया है, और वो मैं पूरी गलतियां आपको आज अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इससे आपको काफी कुछ सीखने को देखने को मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो चलते हैं अपने गेमिंग स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो आ गए अपन अपने गेमिंग स्क्रीन पर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कितने सारे एक्सेलर और गोल्ड है। पहले इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलेक्ट हो गए, डार्क एक्सेलर कलेक्ट हो गए। यहाँ पे कलेक्ट करके ऑप्शन जिसमें 4,20,000 रुपए का गोल्ड और एक्सेलर मेरे पास है, प्लस 23,000। अगर इसको मैं लूँ तो ये मेरा पूरा फुल हो जाएगा क्या? नहीं, फुल तो नहीं हो पाया यार। चलो कोई नहीं, लेकिन काफ़ी डार्क एक्सेलर 5,00,000 गोल्ड फ्री मिला मेरे को, पता नहीं किस लिए। वीकली डील्स मतलब हफ्ते भर का एक डील है जिसमें मेरे को 5,000 गोल्ड मिला, और ये हो गया सोल्ड आउट। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले तो यार मैं अपने जितने भी बिल्डर बेस वाले हैं ना, उनको सबको मैं काम पे सबसे पहले लगाता हूँ। और काम पे मैं ये लगाता हूँ यार कि ना, हाँ मैं आपको अपनी गलतियों के बारे में बता रहा था यार। मैंने गलती अपने क्लैन में ये करके बैठी है कि आप मेरा क्लैन देख सकते हो, मेरा जो क्लैन है लेवल 11 का टाउन हॉल है मेरा, लेवल 11 का। बावजूद उसके मैंने ना अपने एक भी वेपन को अपग्रेड नहीं किया। जैसे कैनन देख लो, लेवल 3 का ही है। ये कैनन लेवल 5 का है। ये हिडन टेस्ला लेवल 2 का है। मतलब मेरा जो डिफेंस है ना काफ़ी ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो मेरे को ना वो चीज़ अब करना है कि मेरे को अपने डिफेंस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं तब तक स्ट्रॉन्ग करूँगा जब तक मेरे को खुद डिफेंस वाले ना बोलते थे भाई थोड़ा सा टाउन हॉल को भी अपग्रेड कर ले। ठीक है, तो तब तक मैं अपने डिफेंस को अपग्रेड करूँगा, क्योंकि यार मैं देखा हूँ मतलब जितने भी मैं लूट रखता हूँ मतलब मेरे इसमें 3-स्टार निकल जाते हैं जो भी मुझे अटैक करता है। तो मेरे को डिफेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो अपन अंदर से चालू करते हैं, बाहर का तो ठीक है करते रहेंगे, अंदर से चालू करते हैं। तो सबसे अंदर में मेरे पास है यहाँ पे विजार्ड टावर, तो एक विजार्ड टावर को मैं लगा देता हूँ 4,20,000 का। तो इसको अपग्रेड पर लगा देता हूँ, एक लग गया अपग्रेड पे, 12 घंटे में ये अपग्रेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहीं पर है एक आर्चर टावर जो लेवल 3 तक है, 20,000 में लेवल 4 पर चला जाएगा। ये इतना सस्ती है, वो भी 4 ही घंटे में हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अपनी आर्मी कैंप को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा यार, क्योंकि मेरे को क्या प्लेयर्स में कम लेकर जाता हूँ अटैक करने के लिए, तो यार मैं 3-स्टार नहीं कर पाता, वो चीज़ भी मैं देखा हूँ। तो मैं अपने आर्मी कैंप को एक बार अपग्रेड करता हूँ। ये हो गया लेवल 4 पे, एक ये 2 ठोक हैं, 2 ठोक लेवल 5 पे, 2 ठोक लेवल 4 पे। तो लेवल 4 वाले दोनों को मैं लेवल 5 पे लगा देता हूँ। तो यार ये 4 चीज़ मैं लगा दिया हूँ फिलहाल के लिए। अब तो जब तक ये खाली होंगे नहीं तब तक आगे का मैं अपग्रेड में और लगा नहीं सकता हूँ। ठीक है, और ये अपग्रेड के साथ साथ अभी आगे मेरे को कुछ प्लेयर्स भी अनलॉक करने हैं जो कि मेरे पास है। मैं जो टाउन हॉल जब 11 किया था, देख सकते हो मेरे पास ग्रैंड वार्डन है जो कि 10,00,000 का है, उसको मेरे को अनलॉक करना है। बाकी ये बिल्डर है 5,00,000 को छोड़ ही दो, 2,000 जेंस मतलब दिल्ली दूर है। ठीक, उसके अलावा फिर ये कर सकते हैं यार, ईगल आर्चरी कर सकते हैं और एक्सबो कर सकते हैं। तो मेरे को अब इसकी तैयारी करनी है, अब अगले के लिए मैं ये तैयारी करूँगा। मेरे बिल्डर हट वाले खाली होते हैं, तो तब तक के लिए मैं इतना इकट्ठा करके रख लेता हूँ। उसको इकट्ठा करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा कि सबसे पहले इसका तो मैं पहले टोटल कर लूँ कि मेरे को लगने कितने वाला है। तो 10,00,000 लगने वाला है मेरे को ग्रैंड वार्डन के लिए। ग्रैंड वार्डन के लिए अगर मेरे को 10,00,000 चाहिए तो मेरे पास स्टोरेज 10,00,000 का होना चाहिए। तो मेरे पास 27,00,000 का स्टोरेज है, तो काम बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरे को 10,00,000 मेरे पास है भी, तो ये हो जाएगा, ग्रैंड वार्डन आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास है डिफेंस में एक्सबो के लिए 10,00,000 चाहिए, तो 10,00,000 एक्सबो के लिए भी मेरे पास है। लेकिन ईगल आर्टिकल के लिए 60,00,000 चाहिए, और मेरे पास 60,00,000 का तो स्टोरेज भी नहीं होगा। 57,00,000 का स्टोरेज है, यानी मेरे को 3,00,000 का स्टोरेज और बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगला ये है कि अगर मेरा बिल्डर हट खाली होता है तो सबसे पहले मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा अपने गोल्ड स्टोरेज को, ताकि वो कर सकूँ मैं इसको 60,00,000 तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो ये मेरा गोल्ड स्टोरेज हो गया लेवल 12 पे। इसको 13 पे करने के लिए यू नीड टू अपग्रेड योर टाउन हॉल। भाई ये देखो, ये दिया ना नोटिस रेड कलर में, यू नीड टू अपग्रेड योर टाउन हॉल टू लेवल 12। यानी जब तक मैं अपने टाउन हॉल को लेवल 12 तक नहीं करूँगा तब तक ये मेरा अपग्रेड होगा नहीं।
इसी टाइप के, जब तक मेरे ट्रूप सारे नहीं बोल दे देना तब तक मेरे को सबको अपग्रेड करके पावरफुल बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास और भी गोल्ड स्टोरेज है यहाँ पे, ये देख सकते हो लेवल 4 का है, ये एक लेवल 3 का है, तो ये दोनों को मैं अपग्रेड पर लगाऊंगा नेक्स्ट टाइम। फिलहाल मेरे ये प्लेयर्स थोड़े हो जाए अपग्रेड। तो यार ये थी मेरी गलती जो कि मैं आपको बता दिया कि प्लेयर्स अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम। सिर्फ टाउन हॉल अपग्रेड करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ टाउन हॉल और वॉल में कुछ नहीं रखा हुआ है, आपको अपने जितने भी डिफेंस प्लेयर है सब के सब को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना ज़रूरी है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्पेल को भी, न्यू अर्थ को एक स्पेल एक आया हुआ है 15,000 का, इसको अपग्रेड में लगा दूँ तो अच्छा ऐसा काम करता है क्या, मतलब अटैक करूँगा तो अगले के डिफेंस का वो काम करेगा, फुल काम करेगा और वॉल को इजीली तोड़ सकते हैं। मतलब 4 अर्थ मतलब स्पेल डालूंगा, अर्थ को एक स्पेल तो मेरा वॉल टूट जाएगा अगले का लेवल 10वां या 11वां लेवल का वॉल है ये जो काले कलर का वॉल है, तो वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, इसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। तो इसको लगा देता हूँ यार अपग्रेड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो खाली है ही, ठीक। इसको अभी नहीं लगाऊंगा, गोलम को लगा दूँगी। अरे यार अभी ये होता है तो गोलम को मैं वो लगाऊंगा। अच्छा अब एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, ये कि जब मैं बैरक अब अगला अपग्रेड करूंगा 26,00,000 का, तो उसमें मेरा क्या प्लेयर खुलने वाला है। तो इसमें मेरा खुलने वाला है बेबी ड्रैगन, और डार्क बैरक करूँ तो इसमें खुलने वाला है विच। अरे यार मतलब जल्द से जल्द मेरे को ये भी खुलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो अपने को गोल्ड स्टोरेज बढ़ाना जरूरी है ताकि जो प्लेयर्स जो ब्लॉक्ड है उनको मैं अनलॉक कर सकूँ, ठीक। तो ये हो गया इतना, अब चलो चलते हैं अटैक की ओर। पहले करते हैं एक प्यारा सा अटैक, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ ट्रॉफी में एक लाल क्या दिखा रहा है, यू हैव बीन प्रोमोटेड। अच्छा मैं प्रोमोट हो गया हूँ लीग लेवल सिल्वर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके 3,200 मिला। कौन सा नंबर पे हूँ मैं, क्या रहेंगे मेरा, कहीं कुछ दिखाएगा। 1,000 से 1,199 के बीच में मैं हूँ। छोड़ो होऊंगा कहीं पे। अच्छा 1,002 यहाँ बाजू में छोटा सा दिखा रहे हैं, यानी 1,002 पे मैं जाऊँ तो वहाँ पे मेरा नाम दिखाएगा क्या। 1,002 अनबीटेबल क्लैन, ये 1,002 पे अभी मैं हूँ। रैंक है क्या ये, मतलब बहुत आगे जाना है अभी अपने को। गेट रेडी। ओके चलो इतना हो गया, चलो चलते हैं अब अपन अपने अटैक की ओर, ठीक। कुछ कैलेंडर तो आया हुआ है यहाँ पे, ओके कर देता हूँ, क्या ही है छोड़ो जाने दो। चलो चले करें अटैक। यहाँ पे प्रैक्टिस मोड है मेरे को दिख रहा है, जहाँ पे अभी 4 नए लेवल खुल चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मोड में 4 नए लेवल खुल गए हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है। प्रैक्टिस मोड का क्या है, इतने सारे अटैक करने को बच नहीं, अटैक तो कर चुका हूँ मैं काफ़ी, सब लूट लिया हूँ। लेवल 8 तक मैं पूरा अटैक खेल चुका हूँ इसका प्रैक्टिस मोड का। लेवल 9 से मेरा टाउन हॉल 9, टाउन हॉल 10, टाउन हॉल 11, ये 3 लेवल में 2-2 अटैक, टोटल 6 अटैक मेरे बचे हैं करने को, ठीक है। इसको करेंगे पहले मल्टीप्लेयर अटैक करते हैं, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। वो तो अपना सेफ जोन वाला पैसा है, कहाँ ही जाएगा, जब चाहे तब कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलो चलते हैं, आप करते हैं एक प्यारा सा अटैक, देखते हैं कैसा क्लाइन मिल रहा है। लूट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा खासा लूट है, ऊपर से एक्सहेलर का टैंक बाहर पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं मतलब लूट सकता हूँ अच्छा खासा, लेकिन गोल्ड का टैंक अंदर तरफ में एक बाहर है। चलो तो यहाँ पे अटैक करते हैं। सबसे पहले तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक पैक का इधर, एक पैक का इधर, एक पैक का इधर, ठीक है। तो यहाँ से लूट तो आ जाएगा, वेलकैरी 2 इधर डालता हूँ, 2 इधर, और इधर भी 2 वेलकैरी डालता हूँ। यहाँ एक रानी डाल दूँ जो इसको उड़ाएगी क्या,
एक स्पेल यहाँ डालता हूँ, पत्ता पार्ट हीलिंग स्पेल। ओहो अरे यार अगली की रानी मेरा काफी ज्यादा वो यहाँ दो हॉवर राइडर छोड़ देता हूँ, गलतारी यहाँ छोड़ देता हूँ हॉवर राइडर, तो पावर डालता हूँ स्पेल, गलत जगह पावर डल गया यार, सारे हॉवर राइडर खत्म भी हो गए। ठीक है लेकिन मेरा जो लूट है काफ़ी ज़्यादा आ गया है, जो डार्क एक्सालर है लगभग मैं 200,000 लूट लिया हूँ यहाँ पर। ये स्पेल उसका खून तो कम कर रहा है मगर चलो ठीक है कोई नहीं, हो गया यार, तो मतलब 25% मैं इसका डिस्ट्रॉय कर पाया लेकिन लूट जो है मेरे को अच्छा खासा मिल गया। सरेंडर कर देता हूँ अभी, देखो तो लूट मेरा 250,000 का मेरे को लूट मिला है, ठीक है डार्क एक्सालर में, वहीं गोल्ड में मेरे को मिला है 52,000 रुपये, तो ये अच्छा खासा कलेक्ट कर लिया हूँ मैं, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, तो इस टाइप से आप भी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी शुरू में आपको ट्रॉफी मैटर नहीं करता, ट्रॉफी आप जब चाहे तब, मतलब एक बार आपकी आर्मी स्ट्रांग हो गई तो उसके बाद तो फिर आप आगे ही बढ़ना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो अभी ट्रॉफी का लालच करना सही नहीं है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का मकसद कि मतलब जो गलती मेरे से हुई वो गलती आप ना करें, ठीक, और अच्छे से अपने क्लाइंट को पावरफुल बनाएं, अपनी टीम को पावरफुल बनाएं। तो होप सो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।